हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। तो बात करते हैं जहाँ पे इंडिया का मिनी फेस्टिवल यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग जो कि स्टार्ट हो चुकी है। यह सीजन 2 चल रहा है। इस लीग में टोटल 5 टीम्स आपस में खेल रही है, जो कि टूर्नामेंट काफी जबरदस्त चल रहा है इस वक्त। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 9वें मैच की जो कि खेला जाएगा आरसीबी वुमेन्स और डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस वुमेन्स के बीच में। यह मैच 2 मार्च को बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करते हैं जहाँ पे मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी आप 51% देख सकते हैं, वहीं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 50% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का भी 50% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 140 है, तो वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 142 है। अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पे आरसीबी वुमेन 0 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं एमआई वुमेन 2 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बात करते हैं पहली टीम यानी आरसीबी वुमेन्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे आरसीबी वुमेन्स ने टूर्नामेंट में अच्छा स्टार्ट किया। पहले 2 मैच में टीम ने जीत हासिल की और टेबल नंबर 1 पे स्टेबल है। यहाँ पे बैटिंग में बात करें तो ओपनिंग में जहाँ पे सोफी डिवाइन और स्मृति मंदाना ने किया था, स्मृति ने 43 रन बनाए, तो वहीं नंबर 3 पे जहाँ पे एस मेघना ने 36 रन बनाए। मेघना टीम का लीडिंग रन स्कोरर भी है, जहाँ पे विकेट कीपर में ऋचा घोष भी रन बना रही है। टीम की ताकत उसके ऑलराउंडर्स है, जिसमें एलिस पेरी जो टॉप पे है। टीम के पास टोटल 7 बॉलिंग ऑप्शन है। अगर बॉल के बात करें तो जहाँ पे सोफी डिवाइन एंड रेणुका सिंह है, जो कि स्पीड वेरिएशन ओपनिंग देगी। वहीं रेणुका ने लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे, जहाँ पे सोफी मलनिक्स ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट निकाले थे, जहाँ पे शोभना आशा 5 विकेट लेकर लीडिंग विकेट टेकर भी है। स्पिन बॉलिंग में जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जॉर्जिया वेरम और श्रियंका पटेल भी शामिल है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे सोफी डिवाइन है, एलएस पेरी है, स्मृति मंदाना जो कि कप्तान है, सवनी मेघना है, ऋचा घोष है जो कि विकेट कीपर है, सोफी मोलिनियुक्स है, जॉर्जिया वेहरम है, श्रेयांशिका पटेल है, शोभना आशा, रेणुका सिंह है, सिमरन बहादुर है। कुछ की प्लेयर की बात करें जो कि ऋचा घोष है, एस मेघना है और आशा शोभना है। बात करते हैं दूसरी टीम यानी मुंबई इंडियंस वुमेन का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे पहले WPL की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने पहला 2 मैच जीत कर अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन लास्ट गेम के लिए एक सबक था जहां उसे यूपी वॉरियर से हरा दिया गया। टीम अब पॉइंट टेबल नंबर 2 पे स्टेबल है, जहां पे हरमनप्रीत कौर फिर से कप्तान है, लेकिन लास्ट गेम में जहां पे इंजरी के चलते वो बाहर थे। जहां पे ओपनिंग में बात करें तो यशिका भाटिया एंड वेस्टइंडीज के जहां पे हेली मैथ्यू है, दोनों ने अच्छा स्टार्ट किया था। मैथ्यू ने 55 रन बनाए थे। यहाँ पे नंबर 3 पे इंग्लैंड की नेट सीजर अब ब्रूंड खेल रही है, जो इस मैच में कैप्टन थी। वहीं मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे कैप्टन हरमनप्रीत कौर और मेलिया केड है। वहीं बॉलिंग में बात करते हैं जहाँ पे पूजा वत्सकर विकेट लिस्ट थी। लास्ट गेम में जहाँ पे इसी वॉन्ग को चांस मिला था, उन्होंने 2 विकेट लिए थे, जहाँ पे मेलिया केड ने 3 मैच में 7 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। जहाँ पे साइका इसा के स्पिन बॉलिंग में, अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे मैथ्यू यशिका भाटिया जो कि विकेट कीपर है, नेट साइब ब्रूंट है, हरमनप्रीत कौर जो कि कप्तान है, अमेलिया केर है, अमनजोत कौर है, पूजा वत्सकर है, एस सजना है, एस कीर्थना है और शबनम इस्माइल है और सैन इसाकी है। और कुछ की प्लेयर की बात करते हैं जहाँ पे हरमनप्रीत कौर है, यस्तिका भाटिया, अमेलिया केड़े। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं चलते विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच में यहाँ पे मुंबई इंडियंस वुमेन होगा, यहाँ पे आरसीबी वुमेन्स को हार मिल सकती है। तो ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।